Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all. Unit hai hamara jo hum pad rahe hain, that is surface chemistry. Surface chemistry ke teen sub unit categories hai. Number first jo hai हमारे पास, that's called absorption. Number second जो है, that's catalysis. And number third जो है, that is colloids. Catalysis हमने previous lecture में पढ़ा, video lecture में पढ़ा. आज का जो है हमारा topic, that is colloidal solutions. Colloidal solution पर पहुंचने से पहले हमें एक bridge cross करना है. वो bridge है क्या? That is, first of all, we should know what is a solution. Solution किसे कहते हैं? Solution is a mixture of two or more substances. Two or more substances, वो substances क्या हो सकते हैं? वो दो भी हो सकते हैं इसमें solutions में. दो substances का भी हो सकता है solution, तीन substances का भी हो सकता है, चार substances का भी हो सकता है. लेकिन generally जो हम पढ़ते हैं वो है दो substances का solution. तो वो दो components, जो दो phases होते हैं solution के, वो है solvent and number second, that's called as a solute. So, ये solution बनता कैसे है? जब हम solute को dissolve करते हैं किसमें, solvent में, तो वहाँ पर जो बनता है, that's called as a solution. लेकिन condition ये है, solute जो है वो it should be chemically non-reacting, chemically non-reacting, chemically, underline it, that's chemically non-reacting with the solvent. तो वहाँ पर जो बनता है mixture, उसको हम कहते हैं solution. जो ये mixture होता है वो homogeneous भी हो सकता है, heterogeneous भी हो सकता है. लेकिन जो homogeneous mixture है उनको हम कहते हैं true solutions. जो heterogeneous है हमारे पास वो दो किस्म के हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे that is true solutions. ये होमोजीनियस होता है ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस जो हमारे पास होते हैं वो दो होते हैं. वन इज सेकंड इज दैट्स वन इज ट्रू सॉल्यूशन व्हिच इज होमोजीनियस इन नेचर. नंबर सेकंड जो है दैट्स कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. नंबर थर्ड को हम कहते हैं सस्पेंशन. अब ये दो जो है कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये है एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजीनियस solutions. अब हम define करेंगे true solutions, colloidal solutions और suspensions को. तो ये classification जो है basically solutions की, वो है on the basis of the particle size of the solute. वो जो हमारा ये है on the basis of size of solute particles, solutions are of following three types. वो है क्या? वो हम अब इनको हम ऐसे लिखेंगे, that is true solution. इसका एक यूनिट जो है आपके सिलेबस में, दैट इज सॉल्यूशंस, वहां पर जो हेडिंग है यूनिट की वो है सॉल्यूशंस. लेकिन बेसिकली जो वो है यूनिट वो है रिगार्डिंग द ट्रू सॉल्यूशंस. नंबर सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो है सॉल्यूशंस का, उनको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस. एंड नंबर थर्ड जो है हमारे पास, उनको हम कहते हैं सस्पेंशंस.
अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे. नंबर फर्स्ट जो ये क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो साइज जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का ट्रू सॉल्यूशंस में वो है लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रम यूनिट्स. अब यहां पर आप देखिए सस्पेंशन में उनका साइज जो होता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना होता है, दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर और 1000 एंगस्ट्रम यूनिट्स. अब जो ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो ये सॉल्यूशन है उनको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो रेंज करता है बिटवीन द टू सॉल्यूशंस एंड द सस्पेंशंस. दैट मींस वो रेंज क्या आएगा, वो आएगा 10 एंगस्ट्रम यूनिट्स टू 1000 एंगस्ट्रम यूनिट्स और 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. साइज ऑफ फर्स्ट पॉइंट इसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स lies between 1 nanometer to 100 nanometers or 10 angstrom units to 1000 angstrom units. Yeah, first point of difference between the true solutions, colloidal solutions and the suspensions. True solutions, example hai true solutions ki agar main yahan par ek ग्लास ऑफ वाटर लूंगी, इसमें मैं डिजोल्व करूंगी सोडियम क्लोराइड. सपोज 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मैंने डिजोल्व किया इन 50 ml ऑफ वाटर. तो ये यहाँ पर फिर हम इसको स्टायर करेंगे, जो यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. इसमें जो साइज होता है सोडियम आयन्स का और क्लोराइड आयन्स का वो बहुत ही छोटा होता है. जो ये कोलाइडल सॉरी यहाँ पर जो ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया उसमें जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो है लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रम यूनिट्स. अब यहाँ पर आप सस्पेंशन की एग्जांपल ले लो. यहाँ पर भी मैं लूंगी वाटर इन दिस बीकर और इन दिस ग्लास 50 ml मैंने लिया. इसमें मैंने डिजोल्व किया सेंड, इसमें मैंने डाला सेंड. फिर हम इसको स्टायर करेंगे लेकिन ये इसमें डिजोल्व नहीं होगा. तो ये है एग्जांपल किसकी, सस्पेंशन की. अब है कोलाइडल सॉल्यूशन की. यहाँ पर भी मैं लूंगी वाटर, सपोज सॉल्वेंट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. फिर मैं इसमें डिजोल्व करूंगी स्टार्च. तो ये है एग्जांपल, स्टार्च हम इसमें डालेंगे फिर हम इसको स्टायर करेंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगी उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन. अब नंबर सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है इनमें, इन तीन सॉल्यूशन में वो क्या है. नंबर सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. दे आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई. उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ना ही किसी माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि साइज उतना छोटा होता है. दे आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई. अब यहाँ पर आप देखो सस्पेंशन में दे आर सीन, उनको हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने सैंड को डिजोल्व किया वाटर में तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होता है तो हमें दिखता है, वो सीधे ही दिखता है उसमें सैंड है. तो उसके पार्टिकल उसको हम देखते हैं, वो दे आर सीन बाय द नेकेड आई. हमारी उसको की तो बात ही नहीं है, सीन बाय द नेकेड आई. अब यहाँ पर आप देखो दे आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई बट उनको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. दे आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई बट सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप.
Yeah, point, second point of difference between the two solutions, colloidal and the suspension. Now, third point of difference jo hai in mein, two solutions ke particles agar hum lenge, wo settle down nahi hote hain at the bottom. For example, maine yahan par ek solution banayi sodium chloride ki water mein. Agar main isko aise hi rakhungi ek din ke liye, dusre din mein aaungi, dekhungi, to wahan par wo waise hi mujhe milegi jaise maine usko banaya hoga. To iske particles jo hote hain wo settle down nahi hote hain. Suspensions mein jo aapne dekha, jo maine aapko kaha कि सस्पेंशन में जो हम सैंड डिसॉल्व करते हैं इन वाटर वहां पर वो डायरेक्टली उसको स्टायर करते हैं थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं तो वो सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं दो ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन दे डू नॉट सेटल डाउन दे Sorry, they settle down at the bottom. Number third point of difference jo hai, wo ye hai, they do not settle down at the bottom. Tisra isme They also do not settle down on the bottom. Isme number teesra point jo hai, that is they settle down at the bottom. Ab jo चौथा पॉइंट है इसमें इनका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो चौथा पॉइंट है दे आर ट्रांसपेरेंट ट्रू सॉल्यूशंस जो हम बनाते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर व्हाइल एज कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर सस्पेंशंस जो होते हैं वो ओपेक होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट नंबर सेकंड सॉरी ये चौथा पॉइंट है इसमें आप लिखो दैट इज द ट्रांसल्यूसेंट एंड ये है दैट्स ओपेक दीस आर द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड द सस्पेंशन नाउ हमारे पास जो मेन टॉपिक है आज का दैट इज योर कोलाइडल सॉल्यूशन तो हमने ब्रिज क्रॉस किया हम पहुंच गए आप कोलाइडल सॉल्यूशंस पर ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस हमें नहीं पढ़ने हैं हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर कोलाइडल सॉल्यूशन सो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अब डिफाइन करेंगे कैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस डेफिनेशन जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस की कोलाइडल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन ये है ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो पार्टिकल साइज जो होता है दैट लाइज बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स और 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स टू 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और दे आर द सॉल्यूशन लेकिन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं ये दे आर हेटेरोजेनियस इन नेचर दे आर द सॉल्यूशंस ब्रैकेट में मैं यहां पर लिखूंगी दैट इज हेटेरियो genius solutions whose particle size lekin kaun se particles that is the solute particles hum solvent ki baat nahi kar rahe hain hum solute particles ki baat kar rahe hain the whose particle size lies between 1 nanometer to 100 nanometers. 100 nanometers.
तो ये है डेफिनेशन कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। नाउ जो ये सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, दैट इज द सॉल्यूट कंपोनेंट एंड द सॉल्वेंट कंपोनेंट। इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सॉल्यूट के लिए हम अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं और सॉल्वेंट के लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं। सॉल्वेंट कंपोनेंट जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, वायरलेस जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्पर्सर फेज। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस, दे हैव टू कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसमें, विच इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। एंड नंबर सेकेंड कंपोनेंट जो है इसका, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सड फेज। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने अभी बोला आपको कि एग्जांपल जो है दैट स्टार्च इन वाटर। स्टार्च जो है इस सॉल्यूशन में, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो एक्ट करता है एज डिस्पर्सड फेज, व्हाइल एज वाटर जो है वो एक्ट करता है एज डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्सड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अब हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे करेंगे। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्सड फेज को हम डिफाइन करेंगे। नंबर फर्स्ट दैट इज डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम बेसिकली सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं द डिस्पर्सड फेज, दैट इज द सॉल्यूट। सो डिस्पर्शन मीडियम मे बी डिफाइंड एज द मीडियम इन विच द डिस्पर्सड फेज इज डिस्पर्सड, इन विच डिस्पर्सड फेज ब्रैकेट में सॉल्यूट इज डिस्पर्सड, जो हम डिस्पर्स करते हैं इन द डिस्पर्शन मीडियम। वो डिस्पर्सड फेज जो है दैट इज द कंपोनेंट विच गेट्स डिस्पर्सड इन द डिस्पर्शन मीडियम, वो विच गेट्स डिस्पर्सड in the dispersion medium। तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन का दूसरा नाम जो है, these are also called as the dispersions। कोलाइडल सॉल्यूशन का दूसरा नाम जो है that is colloidal dispersion और colloidal solutions are colloidal dispersion। Colloidal solution or the colloidal dispersion। Now, colloidal solutions जो होते हैं हमारे पास, उनको हम classify करेंगे, या पहले हम देखेंगे definition of the colloidal solutions on the basis of the dispersed phase and the dispersion medium। So they are the dispersions in which the dispersed phase get dispersed, those solutions are called as the colloidal dispersion। Now, जो हमारा दूसरा topic जो है इसी में, that is classification of the colloidal solutions, classification of the colloidal solutions। we have the तीन तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को। नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है विच इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्सड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्सड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऑन दैट बेसिस वी हैव द वन क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्सड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। उनमें कैसी एफिनिटी है, वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या
वीकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ऑन दिस दैट बेसिस वी हैव द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डिस्पर्सड फेज पार्टिकल्स. उस पर भी हम वो क्लासिफिकेशन देखेंगे. नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है अब हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्सड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. On the basis of first classification, on the basis of the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे पास, दे आर ऑफ एट टाइप्स, ओनली एट टाइप्स. मीडियम कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ एट टाइप्स. अब हम वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. वो है क्या क्वेश्चन, कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी बोलूंगी. अब हम लिखेंगे ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्सड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. यहां पर हम लिखेंगे डिस्पर्सड फेज, यहां मैं अब लिखूंगी डिस्पर्शन मीडियम. यहां पर नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पर एग्जांपल्स. एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा, एग्जांपल्स दे दो कोलाइडल सॉल्यूशंस की. नंबर फर्स्ट है, अगर हमारा डिस्पर्सड फेज सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो इन कोलाइडल सॉल्यूशंस का नाम जो है उनको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्स. सॉलिड सॉल्स एग्जांपल जो है इसमें आएगी, दैट्स कॉल्ड एज द रूबी गिलास. रूबी गिलास, यह फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट आपने देखा, यहाँ पर डिस्पर्सड फेज का फिजिकल स्टेट जो है दैट इज द सॉलिड. डिस्पर्शन मीडियम का भी फिजिकल स्टेट है, वो भी एग्जिस्ट करता है इन द सॉलिड फॉर्म. एंड जो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया वो है, उनको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्स. और एग्जांपल जो है इसकी, दैट्स रूबी गिलास. नंबर सेकंड है, अगर डिस्पर्सड फेज होगा सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम दैट्स लिक्विड, इनको हम कहते हैं सॉल्स. और एग्जांपल जो है यहाँ पर, एग्जांपल है दैट स्टार्च सॉल्ट, और पैंट्स भी आते हैं, पैंट्स. अब नंबर थर्ड, वो दूसरा आपने याद रखा, दैट इज द सॉलिड. डिस्पर्सड फेज अगर सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड होगा, तो वहां यहाँ पर जो सॉल्स बनते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उनको हम कहते हैं सॉल्स. द एग्जांपल जो है दैट स्टार्च पैंट्स एक्स्ट्रा, स्टार्च सॉल्ट पैंट एक्स्ट्रा. नंबर थर्ड, अगर डिस्पर्सड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम गैस, इनको हम कहते हैं एरोसॉल्स. हमेशा आप याद रखोगे, जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो वो वाले कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम जनरली कहते हैं सॉल्स. एग्जांपल जो है इसमें, दैट इज जेल और जेलीज. जेल चीज, जेलीज एक्स्ट्रा. अब ये है, अगर डिस्पर्सड फेज हमारा होगा दैट इज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये है एग्जाम्पल, ये है कोलाइडल सॉल्यूशंस उनके नाम, और ये है एग्जांपल्स. अब हम दूसरा पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप जो है इसमें, इसको मैं रब करूंगी पहले. चौथा जो है, अगर ये लिक्विड होगा, लिक्विड और ये सॉलिड, या तो सॉलिड
इनको हम कहते हैं जेल्स. सॉरी इसमें यार उसको वो वाली एग्जांपल आप लिखो पहले, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया. तीसरा जो है वहां पर जो एग्जांपल मैंने लिखी थी अभी, दैट इज द जेली. जेलीज उसमें नहीं आता है, उसमें आता है समोक. समोक. अच्छा चलो आगे चलते हैं. अब है चौथा, दैट इज अगर ये लिक्विड, अगर ये सॉलिड लिक्विड होगा जिस पर सरफेस, ये सॉलिड, तो इनको हम कहते हैं जेल्स. और एग्जांपल यहां पर आएगी जेलीज, चीज एटसेट्रा. अगर ये लिक्विड होगा, फिफ्थ टाइप जो है दैट इज लिक्विड, अगर डिस्पर्सल फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, इनको हम कहते हैं इमल्शंस. एग्जांपल जो है इसकी यहाँ पर मिल्क. अब यहाँ पर सिक्स्थ टाइप जो है दैट इज अगर ये भी लिक्विड, अगर ये गैस सॉरी अगर ये लिक्विड होगा डिस्पर्सल फेज और ये गैस, तो जनरली अभी मैंने आपको बोला जब अगर डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो उनको हम कहते हैं एरो, एरोसोल्स. एग्जांपल जो है दैट्स क्लाउड्स, क्लाउड्स फॉग मिस्ट एटसेट्रा. अब है दैट्स द सिक्स्थ टाइप. सिक्स टाइप में हमने देखा कि डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्सल फेज जो है अगर ये लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस है, तो इनके नाम और इनकी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, वही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में. अब जो सेवंथ टाइप है अगर ये गैस है और ये सॉलिड है, इनको हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म्स. एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दैट्स प्यूमिका स्टोन्स, जनरली आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं दैट इज द प्यूमिका स्टोन्स. और एट्थ टाइप जो है दैट इज द गैस एंड द लिक्विड, इनको हम कहते हैं फॉर्म्स. और उनकी एग्जाम्पल जो है दैट्स फ्रॉथ, फ्रॉथ, सोप लेदर, सोप लेदर भी है एक्स्ट्रा. तो सो ये अब जो ये है दैट इज द गैस इन गैस, वो नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि गैस हमेशा गैस के साथ होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है. तो लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हमारे पास है वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, वो हिट्रोजीनियस होते हैं इन नेचर. सो यहाँ पर हमें एग्जांपल नहीं मिलेगी दैट इज द गैस इन द गैस, बिकॉज दैट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम वी हैव नेम्स ऑफ सम नेम्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस एज. अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम और यहाँ पर नेम ऑफ द कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है. नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, वाटर, तो उन वाली कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वासॉल्स, एक्वासॉल्स और हाइड्रोसॉल्स. नंबर सेकंड, अगर अल्कोहल होगा एज द डिस्पर्शन मीडियम, अल्कोहल, तो उनको हम कहते हैं अल्कोसॉल्स. नंबर थर्ड, अगर बेंजीन होगा उनको हम कहते हैं बेंजोसॉल्स, सॉल्स. इसी तरह से अगर चौथा, अभी मैंने आपको बोला अगर गैस है तो उनको हम कहते हैं एरोसॉल्स. सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द डिस्पर्शन मीडियम और नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी आपको याद रखना है, आपको हेल्प करेगा.
Now, ये है first classification जो हमने अभी पढ़ी, that is the classification of the colloidal solution is on the basis of the dispersal phase and the dispersion medium. अब हम second classification attach करेंगे, that is depending upon the affinity between the dispersal phase and the dispersion medium. We have the two types of colloidal solutions. Number first को हम कहते हैं lyophilic colloidal solutions and number second को हम कहते हैं lyophobic colloidal solutions. को on the basis अब यहाँ पर मैं लिखूँगी on the basis of affinity between the dispersed phase and the dispersion medium colloidal solutions are of following two types. नंबर फर्स्ट जो है तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्सल फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम कोलाइडल सॉल्यूशंस दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और दूसरे को हम कहते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और लायोफोबिक lyophilic colloidal solution and यहाँ पर lyophobic colloidal solutions. आप lyophilic देखो, lyophilic किसे कहते हैं और lyophobic किसे कहते हैं. Lyo means liquid and philic means loving, that is liquid loving. सो कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं हमारे पास लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन, वहां पर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बिटवीन द डिस्पर्सल फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर मैं लिखूंगी दैट इज हैविंग द वायर द एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्सल फेज and the dispersion medium is strong affinity hoti hai between the dispersal phase and the dispersion medium. Un wale colloidal solutions ko hum kehte hain lyophilic colloidal solutions. Ab yahan par dekho lyophobic colloidal solution mein wahan par strong affinity nahi hoti hai between the dispersal phase and the dispersion medium, the weak affinity hoti hai between the dispersal phase and the dispersion medium. Lyo means liquid and phobic means hate. यहाँ पर dispersal phase और dispersion medium एक दूसरे को hate करते हैं, तो उन वाले colloidal solutions को हम कहते हैं lyophobic colloidal solutions. Where there is a weak affinity between the dispersal phase and the dispersion medium. Yeah, first point of difference between the lyophilic colloidal solutions and the lyophobic colloidal solution. याद आपने रखा first point जो है strong affinity होती है between the dispersal phase and the dispersion medium. यहाँ पर आप देखो lyophobic में वहाँ पर weak affinity होती है between the dispersal phase and the dispersion medium. अब second point of difference जो है between the lyophilic colloidal solutions and lyophobic colloidal solution वो ये है they are reversible in nature. Lyophilic colloidal solutions जो होते हैं they are reversible in nature. While as lyophobic colloidal solutions जो होते हैं हमारे पास they are irreversible in nature. पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे second point of difference that is they are reversible in nature.
Second, they are irreversible in nature. आप ये इसको हम explain करेंगे reversible और irreversible को. अगर मैं यहाँ पर dispersion medium लूँगी, solvent component जो होता है, that's the dispersion medium. इसमें मैंने dissolve किया dispersor phase. Suppose मैंने यहाँ पर water लिया और इसमें मैंने add किया starch. फिर मैंने stir किया इसको, तो यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर ये बन गया, that is the colloidal solution. अगर हम मैं इसको अब water evaporate करूँगी, इसको मैं evaporate करूँगी water को, तो left क्या वहाँ पर क्या रह जाएगा, that is the starch. अगर मैं फिर से इसको add करूँगी water, फिर shake करूँगी, तो हमें फिर से मिलेगा, that is the colloidal solution. Whereas, इसमें वो नहीं होता है. अगर वहां पर मैं dispersion medium को evaporate करूंगी, वहां पर क्या रह जाएगा, dispersor phase. अगर मैं फिर से उसको add करूंगी dispersion medium, तो वो नहीं बनेगा. Generally जो ये है example जो है इसमें आता है, that is the metal salts. They are lipophobic in nature. They are irreversible in nature. Number third, on this basis, these lipophilic colloidal solutions are also called as intrinsic colloids, while as those are called as extrinsic colloids. Third, they are called intrinsic colloidal solutions, while as they are called as extrinsic colloidal solutions. अब चौथा point जो है, there's a point of difference between the lipophilic colloidal solutions and the lipophobic colloidal solutions. वो ये है, colloidal solutions जो होते हैं lipophilic, they are stable in nature, while as जो lipophobic colloidal solution generally they are unstable. वो generally settle down होते हैं. अगर हम उनको ऐसे छोड़ेंगे तो slowly वो settle down होते हैं. कौन lipophobic colloidal solution, so they are unstable in nature. They are stable. चौथा point. They are stable and यहाँ पर unstable. So these are the points of the difference between the lipophilic colloidal solutions and the lipophobic colloidal solution. Ab example isme yaad rakho, kisme lipophilic aur lipophobic. Lipophilic colloidal solutions ki example hai, yehi star salt, isi tarah se hai gum, etc. Lipophobic colloidal solutions ki example hai, that is the arsenic sulfide. और इसी तरह से है, that is aluminium hydroxide, ferric hydroxide. These are the examples of the lipophobic colloidal solutions and the lipophilic colloidal solution. तो ये है दूसरी classification colloidal solutions की, on the basis of the affinity between the dispersal phase and the dispersion medium. So we have the two types of classifications here. We discussed the two types of classification of the colloidal solutions. First one was on the basis of the physical state of the dispersal phase and the dispersion medium, while a second one was on the basis of the affinity between the dispersal phase and the dispersion medium. अब जो तीसरी है कैटेगरी वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डिस्पर्सल फेज पार्टिकल्स वी हैव द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस. नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, that is dispersal phase particles, dispersal phase particles, colloidal solutions are of three types. Solutions teen kasam ke hote hain. Colloidal solutions are of three types. Number first, that's multi-molecular colloids.
नंबर सेकेंड जो है दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड नंबर थर्ड दैट इज एग्रीगेट और एसोसिएट कोलाइड्स. नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. वहां पर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में बेसिकली कोलाइडल जो सॉल्यूशन जो होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है दैट रेंजेस बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर यूनिट्स. लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर. तो वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बनाते हैं बड़ा सा पार्टिकल. वो किस रेंज में आता है, फिर वो कोलाइडल रेंज में आता है. तो उन वाली कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं एक दूसरे के साथ, वो अटैच्ड होते हैं तो बनाते हैं वो बिगर साइज़र पार्टिकल. तो वो बिगर साइज़र पार्टिकल नाउ इट कम्स इन द कोलाइडल रेंज एंड सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स aggregate to form a bigger particle which then comes in the colloidal range. Such colloidal solutions are called as the multi-molecular colloidal range. Such colloidal solutions are called as multi-molecular colloids. अब जो second type है that's called as macromolecular colloids. यहाँ पर है colloidal solution. अगर आप example लोगे that is the sulfur salt है. example किसकी, that's a multi-molecular colloids. अब जो second type है on the basis of the size of the solid particles वो है macromolecular colloids. उन मॉलिक्यूल्स का मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. उनका साइज ऑलरेडी से किस रेंज में आता है, तो कोलाइडल रेंज में आता है. तो अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे सच कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स. समटाइम्स द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट विच फॉल्स इन द कोलाइडल रेंज. वो उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है मैक्रोमॉलिक्यूल का साइज. पहले हम उसको, अगर हमें उसकी कोलाइडल सॉल्यूशन बनानी होगी तो पहले हम उस पार्टिकल को ब्रेक करेंगे. देन इट कम्स इन द कोलाइडल रेंज एंड रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड. नंबर सेकेंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. एग्जाम्पल मैं नहीं लिखूंगी, ने भी बोला दैट इज द माइक्रोमोलिक्यूल विच ऑलरेडी कम्स इन द कोलाइडल रेंज. अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो सच कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स. एग्जांपल जो है इसकी दैट इज स्टार्च सॉल्ट मैक्रोमोलिक्यूल. जनरली ये सॉल्यूशंस जो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स उनकी एग्जांपल आती है दैट्स पॉलीमर्स होते हैं इनमें डिस्पर सरफेस पार्टिकल्स. तो स्टार जो है बेसिकली वो आपको पता है दैट इज द मैक्रोमॉलिक्यूल, दैट्स अ मैक्रोमॉलिक्यूल विच फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एज अ मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड. ऑफ जो थर्ड टाइप है दैट इज एसोसिएट कोलाइड्स. एसोसिएट कोलाइड्स की एग्जांपल है दैट इज द मैसल्स. जनरली ये कौन बनाते हैं मैसल, सोप्स को अगर हम स्मॉलर कंसेंट्रेशन सोप्स तो आपने पढ़े होंगे क्लास टेंथ में व्हाट आर सोप्स एंड हाउ दे आर फॉर्मड. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी हाउ द सोप्स व्हाट आर सोप्स. सोप्स आर द सोडियम आर द पोटेशियम साल्ट्स ऑफ द हायर फैटी एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल स्टीरिक एसिड है हमारे पास C17 H35COH. अगर मैं इसको ऐड करूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज दैट्स एसिड प्लस बेस एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट वो है दैट C17H35COONE. दिस इज योर सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड सोप.
soap jo hai that will act as an associate colloidal. Agar hum soap ko smaller concentration mein lete hain to wo agar wo uska solution banayenge to wo banayega that is electrolytic solution. Lekin agar hum usko larger amounts mein lete hain to wo banata hai associate colloidal. Ab micelle formation kaise hota hai? Which is the colloidal solution. Is soap ke jo do parts hote hain that is R part and CONE part. R part jo hota hai that is non-polar part and jo ye hai that is the CO negative NA positive that is the polar part isko hum kehte hain non-polar part ko jo banata hai that is the tail of the soap while as this polar part it forms the head so yahan par jo iska shape hai that is like this this is the polar head and this is the non-polar tail. Agar yahi molecules, agar yahi soap ke jo molecules hote hain which possesses the polar head and non-polar tail, agar yahi molecules ek dusre ke saath attached honge, aggregate ho jayenge, to wo banate hain micelle. Lekin micelle concentration it takes place, micelle formation takes place at a particular concentration. Wahan par jo hota hai, us micelle mein kitne particles honge? 100. At a time, 100 molecules of soap molecules should be there to form the micelle, and it takes place at a particular temperature, which is called as the critical micellization. That's called the Kraft temperature, or wo concentration jo hoti hai, jis par ye hota hai micelle formation, usko hum kehte hain critical micellization concentration. The micelle kaise banta hai yahan par? Aise shape of the micelle. ये बन गया हमारा colloidal solution which is called as the associate colloid. So आज हमने discuss किया what are colloidal solutions, what are colloidal micelles. So आज हमने discuss किया यहाँ पे what are colloidal solutions, classification of the solutions. First हमने पढ़ा classification of the solutions, two solutions, colloidal solutions and the suspensions. Then we have the definition of the colloidal solutions. Then we have the classification of the colloidal solutions. Teen kisam ki classifications hoti hai, that is the physical state, on the base of the physical state, number second on the base of the affinity, and on the base of the size. This was all about the colloidal solutions. That is only we have touched this part, that is the classification part. This was all about today's topic. Thank you so much.